क्या केबिन है? आप ऐसा बिहेव करें जैसे पहली बार यहाँ आए हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। वाह! अरे आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? आपको याद नहीं कि ये चेयर अंडर रिपेयर है? अंडर रिपेयर है? तो फिर यहाँ पे क्यों रखी है? पीछे कर, पीछे कर। हॉस्पिटल का कारपेंटर आज ही इसको लेके जाएगा मरम्मत के लिए। अच्छा? लेकिन ये कुर्सी टूटी कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रही है? बोलो क्या हुआ? ये चेयर दो जनों का बोझ नहीं झेल सकी। अच्छा, इसका मतलब इस कुर्सी पे दो जन बैठे थे? शैतान कहीं के। अच्छा? मैं फोन लेने के लिए जरा सी झुकी थी, पता नहीं कैसे फिसल के सीधी जा गिरी तुम्हारी गोद में। अरे! उसी वक्त डॉक्टर श्रीवास्तव केबिन के अंदर आ गए। अरे श्रीवास्तव को मारो गोली। मैं हूँ। बैठो बैठो पेशेंट। अरे बैठो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? मुंह खोलो, जबान दिखाओ। बाप रे, इसका पेट खराब है। सर, क्या ये पेशेंट नहीं तो सीनियर सर्जन डॉक्टर श्रीवास्तव है। तुम्हें क्या जानता नहीं? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानता? नहीं, अरे सीनियर डॉक्टर वास्तव है। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, वही कह रहा था मैं। हेलो हेलो सर। डॉक्टर ईश्वर देवगन, आर यू ऑल राइट? What about you? Yes, I am all right. I am all right. आज एक emergency operation है। आई यहाँ केबिन में क्या कर रहे हो तुम? Hey, sir, मैं यहाँ operation की तैयारी करने आया था। यहाँ केबिन में? हाँ, वही वो operation के हथियार लेने आया था। हथियार? Sir, इनका मतलब instrument? Yes, instrument, यानी चाकू, छुरी, तलवार, ढाल। ढाल? सर सर, डॉक्टर देवगन आज जरा मजाक के मूड में है। जरा मजाक के? देखो, इनका ये मजाक हॉस्पिटल को महंगा पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ सर? एक औरत ने अपने पति को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए यहाँ एडमिट किया था, तुमने उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कर दिया था, और शायद वो भी ठीक से नहीं। ठीक तरह से नहीं किया? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी पत्नी आज प्रेग्नेंट है। इसमें बुरा क्या है सर? इसमें बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के पेट में दर्द है। वो एक दूसरे का दर्द शेयर करते होंगे सर। शराब, शराब, हंस रही है। और दूसरे एक केस में एक पेशेंट के नाक पे एक मामूली साइनस का ऑपरेशन किया, आज उस पेशेंट के पास सांस लेने की जगह ही नहीं, वो बेचारा मुंह से सांस ले रहा है। सांस तो ले रहा है ना सर? सांस तो ले रहा है, लेकिन उसका खाना सीधा उसके फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों में? खाना, खाना फेफड़ों में? सर, उसके कान के यहाँ एक छेद कर देते ताकि वो सांस ले सके। डॉक्टर देवगन, यस सर, कान खोल कर सुन लो। मेरा? तुम्हारा? ओके, बोली। आज के बाद कोई भी ऑपरेशन मेरे सुपरविजन के बिना तुम नहीं करोगे। यस सर। और लीली, देवगन के केबिन में बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के फंड्स कुर्सी रिपेयर करने के लिए नहीं होते, तुम जा सकते हो। यस सर। तुम भी जा सकते हो ऑपरेशन थिएटर। नहीं तो तुम्हारे घर। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आज का ऑपरेशन मैं हैंडल कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। यमदूत, ए, मेरा नया घर कहाँ है? यमदूत, यमदूत, अरे नया घर कहाँ है, बोलना। आओ ईश्वर, ये तुम्हारा घर है। ए, इस घर का दरवाजा उल्टा खुलता है। बिल्डर की मेहरबानी से। ये घर तो हॉस्पिटल से भी बड़ा है। हाँ ईश्वर, पेशेंटों को लूट लूट कर तुमने इतना बड़ा घर बनाया है। और मेरे बच्चे, मेरी बीवी? तुम्हारी बीवी उस कमरे में सो रही है। सो रही है? इतनी जल्दी? हाँ, वो किसी भी वक्त सोती है। सोना उसका पहला शौक है, और उसे हर वक्त ऐसा लगा रहता है कि उसे कुछ ना कुछ बीमारी है। वो तुम्हारे डॉक्टरी शब्दों में क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक है। मिलोगे? यहाँ रहना है तो मिलना ही पड़ेगा ना। हाइपो, 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 चल आगे चलना बाबा। हाइपोकॉन्ड्र, हाइपोकॉन्ड्र, हाइपोकॉन्ड्रिया। आराधना, आराधना, ये भी कोई सोने का तरीका हुआ? आराधना, मैं ईश्वर, तुम आज जल्दी आ गए। हाँ, आज एक ऑपरेशन था, वो कैंसिल हो गया। अच्छा हुआ,
वैसे भी आजकल लक तुम्हारे फेवर में नहीं है। अरे चाय पियोगे? हाँ, चाय की बड़ी तलब आई है। तो जाओ, मेरे लिए भी एक कप बना के लाना। इस घर में चाय तुम बनाते हो, तुम्हारी बीवी नहीं। अरे तुम अभी तक यही खड़े हो? लगे हाथ मेरा आयुर्वेदिक काढ़ा भी गर्म करके लाना प्लीज। आयुर्वेदिक काढ़ा? हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत बड़ी फैन है आयुर्वेद की। पता नहीं, आज बहुत थकान सी महसूस हो रही है, एसिडिटी भी इतनी बढ़ गई है। कुछ खाया होगा, ऑयली स्पाइसी? अरे नहीं, कुछ नहीं खाया। देखो सुबह मिसेस पटेल ने खमन ढोकला भेजा था, वो खाया। फिर हेमंत कहीं से पकौड़े ले आया था, वो खाए। बस हाँ, और फिर शाम को चाट वाला दरवाजे पर आया था, उससे मैंने एक भेलपूरी और एक दर्जन पानी पूरी खाई। बस हाँ, और फिर मिसेस अग्रवाल बहुत ही फोर्स कर रही थी, इसलिए दो प्लेट रगड़ा पैटिस खाया। बस फिर भी न जाने क्यों एसिडिटी इतनी बढ़ गई है। कल हमारे क्लब का ब्लड डोनेशन कैंप भी है। ईश्वर, मैं आराम करना चाहती हूँ, मेरा एक काम करना प्लीज। हाँ, दरवाजा जरा आस्ती से बंद कर देना प्लीज। बाय। तो क्या है? आओ, अब तुम्हारी कन्या से मिलते हैं। वो भी ऐसी नहीं, इससे थोड़ी हटके। हाँ चलो आओ ईश्वर। रितू, रितू। हाय डैडी। कैसी है तू? मैं बहुत टेंशन में हूँ डैडी। एक तो 10वीं के एग्जाम्स आए हैं और मैं मेरिट लिस्ट में आना चाहती हूँ। डैडी, आप हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आए हैं? हाँ बेटे, क्यों? हो सकता है आपके साथ कोई वायरस आ जाए और एग्जाम के वक्त मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती डैडी। ईश्वर, ये तुम्हारी बेटी हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा? अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी हाथ ग्लोव्स पहन के मिलाती है। तो अच्छा है ना, हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छा होता है ना। डैडी, किससे बात कर रहे हैं? किसे नहीं, अपने आप से। बड़ी प्यारी लड़की है, मैं इसके सर पे हाथ फेराऊं? इसके लिए तुम्हें भी ग्लोव्स पहनने पड़ेंगे। तू कुछ भी मांगता है यार, कुछ भी मांगता है। रितू, डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तेरे सर पे हाथ फेर रहा हूं। आपने हाथ धोए थे? नहीं। हो सकता है मुझे इन्फेक्शन हो जाए। तूने अपना सर धोया था? हाँ, दो बार। चलो अच्छा हुआ, मेरे हाथ को इन्फेक्शन नहीं होगा। आओ ईश्वर, अब तुम्हारे बेटे से मिलते हैं। वो ऐसा ही है, देख लो। कभी रुकता भी है? रुकता है कब? नींद में, और कभी कभी तो वो भी नहीं। और इसकी पढ़ाई का क्या? यही इसकी पढ़ाई है। ओ डैड, आपने म्यूजिक क्यों ऑफ कर दिया? आपको पता है मैं ऑल इंडिया पॉप म्यूजिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? वो मैं इस साल जरा ड्रॉप ले रहा हूँ डैड। ड्रॉप? अरे तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है या नहीं? बनना है। क्या बनना है? माइकल जैक्सन। अरे कैसी फैमिली दी तूने मुझे? मैंने तुम्हें नहीं दी है ईश्वर, ये तुम्हारी अपनी फैमिली है। हा? तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से उनकी एक्टिविटी चेंज हो गई है। लेकिन हम लोग आपस में मिलते भी हैं। कब? दो इमरजेंसी के बीच। अरे क्या बात कर रहा है, ये भी कोई मिलने का टाइम हुआ दो इमरजेंसी के बीच? क्या मैं आपको पूछ सकता हूं ये आप क्या कर रही हैं? वैद्य जी ने कहा है दवा पीने से पहले बोतल हिला लिया करो, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों की तबीयत ठीक रहेगी। मतलब? अरे तुम बोतल इतनी जोर से हिला रही हो कि आधी दवाई तो मैं ही पी गया। छाता है अपने पास? सोच रहा हूँ लेके बैठूं।
हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ मेरा मजाक उड़ाओ। तुम दवाई उड़ाओ। एक दिन मैं ऊपर चली जाऊंगी ना तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं कितनी बीमार थी। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने मेरा हाथ एक डॉक्टर के हाथ में दे दिया। तुम बीमार होगी क्या? अपने बेटी का हाथ एक डॉक्टर के हाथ में देने की वही एक वजह हो सकती है ना। हाँ हाँ खाना खाओ खाना खाओ। बात कर रही हेमान चला गया। इसे अचानक क्या हो गया? इसने भी दवा खा ली है क्या? वो नाच रहा है। अच्छा 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 ये अचानक हिलने लगा तो मैं समझा कि दवाई लेने से पहले ये बोतल हिलाना भूल गया। वेरी फनी। डांस बाद में करना पहले खाना खा लो। क्या? पहले खाना खा लो डांस बाद में करना। What dad? Hey dad, are you all right? वो कह रहे हैं पहले खाना खा लो डांस बाद में करना। That's okay mom, but ये जोकर की तरह ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोलो। अरे मैं माइमिंग कर रहा था। ओह मुझे लगा ऑपरेशन के टेंशन की वजह से आप थोड़ा सा। मैं एक बात पूछूं? खाना खाने से पहले डांस करना जरूरी है? डैडी आप कितना बोलते हैं, इससे आपके चयापचय पर असर पड़ सकता है। चयापचय ये क्या होता है? चयापचय यानी डाइजेशन। देखिए इस किताब में साफ साफ लिखा है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेटिव जूसेस एंजाइम्स इंटेस्टाइन्स लीवर पर सबसे बुरा असर पड़ता है। आराधना थोड़ी दवाई मेरे लिए भी रखना। अभी से ये हालत है तो तब क्या होगा जब तुम्हें मेरे जितनी बीमारियां हो जाएगी। तुझे क्या क्या बीमारियां हैं? मुझे मालूम है तुझे बीमारी है लेकिन क्या क्या मैं जानना चाहता हूँ। हाइपरटेंशन डायबिटीज एंजाइना पेक्टोरिस हेपेटाइटिस बी सब बीमारियां हैं मुझे। ये बीमारियों के नाम बता रही है अपने रिश्तेदारों के नाम? ये बीमारियां ही अब मेरे रिश्तेदार बन गए हैं। तू थोड़े दिन के लिए मैके क्यों नहीं चली जाती? बस वही बाकी रह गया है, अब मैके जाना ही बाकी रह गया है। ए वानी वो 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 डैडी आप मम्मी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक है। हाइपोकॉन्ड्रिया मालूम है मुझे, हाइपोकॉन्ड्रियाक मालूम है मुझे, यमदूत ने मुझे बताया था। यमदूत? कौन यमदूत? टेलीफोन। अरे उठाओ ना। हेलो हाय लिली। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इमरजेंसी। आहिस्ता रे आहिस्ता। अरे इतनी जोर से आवाज क्यों निकल रहा है? अरे मैं बीमार हूँ। बीमार हुआ तो क्या हुआ है? सामने दिखता नहीं है क्या निकला है, पढ़ नहीं सकते हो? साइलेंस प्लीज। ये साइलेंस प्लीज नहीं निकला है, नॉट द वॉकिंग निकला है। मेरी मेरी गलत निकल रहा है। तेरे को टाइम पे बेड पेन मांगता कि नहीं? डॉक्टर क्या हो रहा है तुम्हें? सर वो तो वार्ड बॉय है। क्या हो रहा है तुम्हें? उल्टी और लूज मोशन हो रहा है। मैं तो बेड पेन दे देकर परेशान हो गया हूँ सर। अरे बीमारी से ज्यादा तो आपके वार्ड बॉय ने परेशान कर दिया मुझे। और वार्ड बॉय कितना परेशान होता है कोई नहीं देखता है। जाओ जाओ तुम जाओ तुम जाओ। तुम मत जाना दिली, तुम नहीं जाना। नहीं सर वो सीनियर सर्जन डॉक्टर श्रीवास्तव राउंड ले रहे हैं। अच्छा बाजू वाले कमरे में हूँ। बाजू वाले कमरे में कुछ चाहिए तो जस्ट विसल विसल सिटी बजाना। मुझे बुलाने के लिए हमेशा बजाते हो। सिटी कैसे बजा दे रहे? इस वक्त तो मुझे ये पता है वॉमिटिंग कैसे होती है। वॉमिटिंग कैसे? वार्ड बॉय वार्ड बॉय क्या है इन्हें उल्टी क्यों हो रही है? यार डॉक्टर कौन है? मैं। तो ये बताना किसका काम है, मेरा या आपका? मुझे कोई दवाई दो, मुझे कोई दवाई। बताइए कौन सी दवाई खाना चाहते हैं आप? अभी केमिस्ट के पास से मंगवाता हूँ। अरे ये मुझे मालूम होता तो यहाँ बढ़ते क्यों होता? ये उल्टी कब से हो रही है आपको? कल से हो रही है। और क्या क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं। खट्टा वट्टा खाने को जी चाहता है? जो भी खाता हूँ खट्टा ही लगता है। कांग्रेचुलेशंस आप माँ बनने वाले हैं। माँ? यस।
ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है? वो खुशी से चिल्ला रहा है सर, खुशी से, जॉय जॉय। क्या जॉय? ये बोल रहा है मैं मां बनने वाला हूँ। व्हाट? मेरा डायग्नोसिस तो यही कहता है। एक मिनट। यस सर। आपको क्या हो रहा है? उल्टी आ रही है। अच्छा? लूज मोशन हो रहे हैं। खट्टी चीजें भी बहुत खाता है सर। विल यू प्लीज शट अप जबान दिखाओ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे बोल रहा था जबान कैसे दिखाते हैं बता रहा था। दिखा दिखा दिखा। आखिर दिखाओ। आपको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया, बस थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हुआ। डॉक्टर ईश्वर देवगन। यस सर। इसे सलाइन लगाओ। कहाँ? 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 सलाइन की बॉटल कहाँ? ऐसे पूछ रहा था मैं। ये मैं तुम्हें बताऊं? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वार्ड बॉय से पूछ लूंगा। ईश्वर देवगन। यस सर। सलाइन की बॉटल वहां है। मैं जानता हूँ वहां है। आपको क्या लगा मुझे मालूम नहीं है सलाइन की बोतल है? मैं मालूम। शट अप नाउ। यस सर। डॉक्टर ईश्वर देवगन। यस सर। इसके पहले कि ये मरीज डिहाइड्रेशन से मर जाए, उसको प्लीज सलाइन दे दो। यस सर। ये सलाइन कैसे लगाते हैं सर? नहीं, मैं मुझे मालूम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे लगा। आर यू किडिंग? नॉट एट ऑल। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नो सर, नो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ये सीटी कैसे बजाते हैं मालूम है आपको सर? डॉक्टर ईश्वर देवगन। यस सर। मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। यस सर। और इसलिए मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। यस सर। और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यस सर। नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये आपस का मामला है, आपको बोलिए सर, बोलिए। प्लीज इसको सलाइन दे दो। यस सर। प्लीज। यस सर। प्लीज। यस सर। प्लीज सर। सर, सलाइन कैसे देते हैं वो बताया है? नहीं, आपको मालूम है सलाइन कैसे देते हैं? नहीं नहीं मालूम। सलाइन तो देना ही पड़ेगा। क्या है, सलाइन एक सलाइन होता है। क्या बात है ईश्वर? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। एनी प्रॉब्लम? सलाइन कैसे देते तुझे पता है? कमाल करते हो ईश्वर, एक डॉक्टर होकर तुम्हें ये नहीं मालूम कि पेशेंट को सलाइन कैसे देते हैं? तू तो जानता है ना मैं डॉक्टर कैसे बना। हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि एक डॉक्टर आखिर डॉक्टर बना कैसे। हाँ, वैसे अक्सर हम यमदूतों का काम ऐसे डॉक्टर बढ़ा देते हैं जो एक चुटकी बजा दे डॉक्टर बन जाते हैं। वैसे पेशेंट को सलाइन देना बहुत ही इजी है। कैसे? ये सुई उठाओ और पेशेंट की नर्व्स में लगा दो। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन नर्व्स कहाँ होते? गया। तो, नब्ज़ कहाँ होती है? नब्ज़ यहाँ है? नहीं, यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ है क्या? नहीं है यहाँ। देखो तेरे पीछे क्या, पीठ के पास है क्या? कहाँ है क्या? ये होती है। अरे नब्ज़ कहाँ होती है? चले जाओ। हेलो, पियो पूरी बोतल पीना। हाँ? दे दिया पेशेंट को सलाइन, दे दिया। क्या है, नब नहीं मिल रही थी, पीने को दे दिया सलाइन पेशेंट को। कहीं से भी बदन में जाना चाहिए ना, सलाइन दे दिया। ये आदमी मेरा हॉस्पिटल बंद करवा देगा। ईश्वर, तुम भी कमाल के हो। क्या हुआ? पेशेंट के मुंह में सलाइन डाल दी। तो मुझे मालूम नहीं ना सलाइन कैसे लगाते हैं। तुमने सीटी क्यों नहीं बजाई हमेशा की तरह? मुझे सीटी बजाने नहीं आती। देखो। लेकिन तुम तो सीटी बजाने में एक्सपर्ट थे। अच्छा? मैं तो तुम्हारी उसी कला पर फिदा हुई थी। अच्छा? कई पेशेंट तो तुम्हारी सीटी सुन के सोचते हा? बाहर कोयल गा रही है। कोयल गा रही है? अब लगता है कि कौवा गा रहा है। क्या हो रहा है ये? नहीं कुछ, एसी जरा तेज है ना। देखो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है। यस सर। यहाँ मरीजों को आराम की सख्त जरूरत होती है। यस सर। वो पेशेंट देखा तुमने, बेचारा एक महीने से कोमा में है। वो जरा ज्यादा ही आराम कर रहा है, ऐसे नहीं लग रहा आपको? शट अप, जाओ। आप जाने वाले थे?
ईश्वर ईश्वर ये सिटी ले लो और कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हल्के से सिटी बचाओ, मैं फौरन आ जाऊंगी। अच्छा ये कहाँ मिली तुझे? एक पेशेंट के रिश्तेदार के बच्चे के रह गई थी। ईश्वर आज तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। मैं सिटी बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था ना। इतनी जोर से सिटी तो आरटीओ हवालदार भी नहीं बजाता। खैर मैं तुम्हें बताती हूँ सिटी कैसे बजाते हैं। बजा। अच्छा ठीक है। करेक्ट। डॉक्टर ईश्वर देवगन। यस सर। कल अमेरिका से एक साइकियाट्रिस्ट आने वाले हैं आपको चेक करने के लिए। नहीं तुम्हें चेक करने के लिए। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। वो तो मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम कितने ऑल राइट हो। लिली विल यू प्लीज गो बैक टू योर वर्क नाउ। यस सर। डोंट वरी कल आने वाले हो। चलो ईश्वर गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। ऐसे नहीं हमेशा की तरह। हमेशा कैसे करते हैं?